तो जदि आपण माने प्लस टू पढ़ुचंदी किंबा प्लस थ्री पढ़ुचंदी ताले आपण मानक पई वीडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आउ जदि आपण माने चाहुचंदी एई 2022-23 रे केमिति आपण माने जने सरकारी शिक्षक नियुक्ति पाई परिबे कोन या पई क्वालिफिकेशन दरकार को एग्जाम दो पई पडिबो को फॉर्म अप्लाई करे पई पडिबो केते परसेंटेज दरकार पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण मानक वीडियो रे जनेबि आउ सबुट बड इंपोर्टेंट कथा हला ओडिसा रे जते सारा भी गवर्नमेंट जॉब अछि सबुठरु सुंदर आ मजबूत जॉब हला आपणकर कोन ना ओडिसा टीचर ओडिसा गवर्नमेंट टीचर कहीं आप समस्त जानते केते सारा छुट्टी मिले केते सारा फ्री टाइम मिले आपण मान जानते समस्ते आपस्त स्कूल लाइफ को पास करके आसी तो सेमती कौन सी पैंडामिक सिचुएशन है कि इमरजेन्सी बेले टीचर मान एक्सट्रा ड्यूटी पड़े ना बाकी वर्ष सारा से 6-7 क्लास जाती स्कूल आ बाकी छुट्टी रहा आप समस्त जानते तो नमस्कार फ्रेंड्स मुझे कुमार सर आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया स्पेस यूट्यूब चैनल को मुझे कुमार सर आपको एन एकेडमी ओपीएस लाइव पढ़ाऊँ मैथ्स आउ रिजनिंग तो जदि आपसी एग्जाम प्रिपेरेसन करुँचर टीचिंग एग्जाम है जोटा आम आज वीडियो में डिस्कसन करवा जब आपने कौन से टीचिंग एग्जाम प्रिपेरेसन करुँचर ओटीईटी है कि ओएसएस टीटी है कि बीड है जब आपसब एग्जाम प्रिपेरेसन करुँच देखो एन एकेडमी तरफ बहुत ही जबरदस्त बैच ओटीईटी एग्जाम बैच 2/11 स्टार्ट होमर ए बैच जो थी आपको सर्वमोट 7 जन एजुकेटर्स गाइड करेंगे डेली आपको लाइव क्लासेस पीडीएफ नोट्स डाउट क्लीयरिंग सेशन सब कुछ आपको मिले ये रोज बैच 2 आउ गोटे बैच रोज कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स बैच 2 गोटे रोज ओटीईटी एग्जाम ये एप्रिल 6 रु स्टार्ट हो तो एप्रिल 6 रु गोटे स्टार्ट हो एप्रिल 11 रु गोटे स्टार्ट हो तो आई बैच जॉइन करेंगे बीड पर जब आप प्रिपेरेसन करने चाहते 6370-286-0-47 नंबर में कंटाक्ट कर डिटेल इनफर्मेशन बुझीपारे जहाँ भी आपको डाउट रोज एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन को लेकिन देखो ये रोज ओपीएससी प्राइस रोज टीचिंग एग्जाम प्राइस 3 मंथ पर जॉइन करेंगे ओटीईटी एग्जाम कि बीड एग्जाम कि 6 मंथ पर जॉइन करेंगे कि 1 ईयर पर जॉइन करेंगे ये रोज एक्चुअल कोर्स भी कि कुमार 45 कोड यूज करे डिस्काउंट करके आपको ये प्राइस में मिले जब आपने टीचिंग एग्जाम प्रिपेरेसन करने चाहते नंबर में कंटाक्ट करेंगे तेज चलते डेरी न कर स्टार्ट करवा आज सेशन को जो आप बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आपको कहवा अनुसार जे केमी गोटे आपने सरकारी चाकरी पाइपारे सरकारी चाकरी मतलब जन सरकारी शिक्षक निजुक्ति भाव में आम ओडार केमी जे सरकारी शिक्षक निजुक्ति पारे केमी गोटे सरकारी शिक्षक हो पारे कौन क्वालिफिकेशन दरकार तो फास्ट अफ अल मुझे कहीदेपी चाहिए फास्ट मुझे स्टार्टिंग करी स्टार्टिंग करें कौथर ना आपंकर हाईस्कल टीचर तो हाईस्कल टीचर आमर टीजीटी आर्ट्स था आपंकर टीजीटी साइंस था तो ठीक अच्छे तो आपसबू कौन मुझे आगे धीरे धीरे कह तो फास्ट अफ अल जब आपने जड़े हाईस्कल टीचर हाँपी चाहूँगी तो आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन दरकार ना आपको ग्रेजुएशन पास कर दरकार फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपण मन को ग्रेजुएशन जो आपने कहते प्लस 3 जब आपने प्लस 3 आर्ट्स पास करते यू मे बी एलिजिबल जब आपने प्लस 3 साइंस पास करते बीएससी करते अप्लाई करेंगे आमर ईपाई आमर कौन आपणकर हाईस्कल टीचर पर जदि आपने कमर्स पढ़ी पास कर प्लस 3 कमर्स करप्लाई करेंगे किद बीटेक करते आप्लाय करेंगे तो कह गए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थी दरकार आपने ग्रेजुएशन पास कर दरकार जड़े हाईस्कल टीचर हाँपी यह सहित आपणकर ग्रेजुएशन 50% मार्क आपंकर एग्रीगेट रोच आपने 10th जिते भी परसेंट रखि था ना कहीं भी फरक पड़ूनि कि प्लस 2 भी जिते भी परसेंट रखि था ना कहीं भी फरक पड़ूनि कि आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम टू मिनिमम जब आपने जेनेल कैटेगोरी बिलंग करुँचर युअर कैटेगोरी बिलंग करुँचन देन आपको 50% मार्क रखा पड़ा मिनिमम जदि आपने एससी एसटी एससीबीसी कैटेगोरी बिलंग करुँचन देन आपको 45% मार्क रखा पड़ा ये आपंकर रोचे ग्रेजुएशन मार्क ठीक अच्छे तापर आपण मैंने ग्रेजुएशन पास कर दरकार सहित आपड कर दरकार मतलब ओ एस एस टी टी आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर दरकार तो ओ एस एस टी टी आमर नुआ बैच ये स्टार्ट होकर गोटे कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स बैच 2 गोटे स्टार्ट हो 11 एप्रिल रु आउ गोटे स्टार्ट होमर 6 एप्रिल रु आपने जॉइन करेंगे ठीक अच्छे कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कर डेली लाइव क्लासेस पीडीएफ नोट्स पाइबे डाउट क्लियरिंग सेशन रहा सब किसी आपको मिले तो बीड पर प्रिपेरेसन करेंगे आम एन एकेडमी में जॉइन करके सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ी पारे जब सब्सक्रिप्शन में किसी भी डाउट रोचे आपने नंबर में कंटाक्ट करेंगे तो मुझे आपको कहती कौन ना आम ग्रेजुए आमर हाईस्कल टीचर तो आपली ग्रेजुएसन पास कर दरकार आर्ट्स हो साइंस हो कमर्स हो 50% मार्क रखा दरकार जेनेल कैटेगोरी जो मैंने बिलंग करते 45% मार्क रखा दरकार जो मैंने एससी एसटी कैटेगोरी बिलंग करते तो ओ एस एस टी टी आप
क्लीयर कर दरकार बीड आपरकार सहित मन रखिए जदि ये गला आप हाईस्कल टीचर तो हाईस्कल टीचर में आपंकर आउ कौन दरकार ना आपण मैंने जो ग्राजुएसन पास करेंगे जो ग्राजुएसन जदि आपजिटी आर्ट्स अप्लाई करी टीजीटी ट्रेंड ग्राजुएट टीचर जदि आपजिटी आर्ट्स अप्लाई करते आर्ट्स पढ़ा दरकार कि कमर्स भी पढ़ी टीजीटी आर्ट्स अप्लाई करेंगे टीजीटी साइंस अप्लाई करेंगे ना मन रखिए जदि आपर्स रखिक पास कर प्लस थ्री कमर्स करजिट साइंस अप्लाई करें टीजीटी आर्ट्स अप्लाई करेंगे तो टीजीटी आर्ट्स जो आप्लाय करेंगे आपने ग्राजुएसन में यही जो सब्जेक्ट आपुच्च इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस तापर इंडियन इकोनॉमी तापर आपनकर लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी इंडियन पॉलिटी यही सब सब्जेक्ट भितर आपकोसी मिनिमम टू मिनिमम आपईटी सब्जेक्ट रखिकी पास कर दरकार आपण मैंने या भितर कौन सी दुईटा सब्जेक्ट पढ़ी ग्राजुएसन में ताल जाने टीजीटी आर्ट्स अप्लाई करेंगे आपण मैंने समस्त इंग्लीश ओडिया रखिक पढ़ीथे जहाँ भी प्लस थ्री में आर्ट्स पिला हूँ कि ये आर्ट्स पिला तो पढ़ी निहाती भाव में जदि आपने ये कैटेगोरी मतलब आपड़ी कमर्स करपुर देखते या भितर कौन सब्जेक्ट आपटे रखी आप्लाई करेंगे तो टीजीटी आर्ट्स कौन ना ये आपंकर ट्रेंड ग्राजुएट टीचर आर्ट्स हाईस्कल टीचर तापर आसा टीजीटी साइंस तो टीजीटी साइंस कौ पाने अप्लाई करेंगे ना जो मैंने केवल बीएससी कर जो मैंने बैंक जो मैंने बैचलर साइंस करेंगे बीएससी करेंगे से ही केवल अप्लाई करेंगे तो से कौन सब्जेक्ट रोचे मैंडेटोरी जदि आपसीएम अप्लाई कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अप्लाई कर तो आपएससी केमिस्ट्री रखी पढ़ी दरकार किंबा आपण माने सॉरी हाँ फिजिक्स रखिक पढ़ा दरकार और मैथमेटिक्स पढ़ा दरकार जदि आपएससी ये तीनोटी सब्जेक्ट रखिक पाठ पढ़ी या भितर कौन सभी दुईटा सब्जेक्ट पढ़ी फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कि मैथ हो केमिस्ट्री हो तो आप्लाई करेंगे टीजीटी साइंस ये टीजीटी साइंस पीसीएम जदि आपजिटी साइंस सीबीजेड अप्लाई करते तो आपति सीबीजेड केमिस्ट्री पढ़ा दरकार बटनी पढ़ा दरकार जूलोजी कि बायोटेक्नोलोजी कि बायोलॉजी जदि आपतर दुईटा सब्जेक्ट पढ़ी बटनी जूलोजी तो समस्त पढ़ी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी हो किना कि या भितर दुईटा सब्जेक्ट समस्त पढ़ी जो मैंने बीएससी सीबीजेड करते तो ये गला आपर कौन ना कंप्लीट ट्रेंड ग्राजुएट टीचर मतलब हाईस्कल टीचर हाँ यही सब आप क्वालिफिकेशन दरकार आउ थे कहीदे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राजुएसन पास कर दरकार ग्राजुएसन पास करके आपने 50% मार्क रखी दरकार 50% मार्क कौन थे दरकार जदि जनरल कैटेगोरी बिलंग करी एससी कैटेगोरी बिलंग करेन आपको 45% मार्क रखी दरकार जाठी एलिजिबल हो पारे आमर ट्रेंड ग्राजुएट टीचर पर ता सहित आपएसएसटीटर पेपर वन आपको क्लीयर कर दरकार बीईडी कर दरकार बास ये दरकार आउ दुईटा सब्जेक्ट आपण मिनिमम दुईटा सब्जेक्ट आपने ग्राजुएसन में पढ़ा दरकार ये रोचे आपंकर हाईस्कल टीचर पर क्वालिफिकेशन तो ये आसवा मुझे कह प्राइमरी टीचर पर क्वालिफिकेशन कौन दरकार ना आपने प्लस टू पास कर दरकार जदि प्लस टू पास करते सिटी किंवा बीईडी करते अप्लाई करेंगे किंबा ग्राजुएसन पास करते सिटी बीईडी अप्लाई अप्लाई करेंगे ता सहित ओटीईटी पेपर वन आपको 100% क्लीयर कर दरकार ओटीईटी पेपर वन पेपर टू तो आपंकर एग्जाम हम ओटीईटी पेपर वन आपको क्लीयर कर दरकार ठीक अच्छे आउ थे कहीदे प्राइमरी टीचर पर प्लस टू पास कर दरकार किंबा ग्राजुएसन पास करप्लाई करेंगे ता सहित आपटी किंवा बीईडी कर दरकार जदि ग्राजुएसन करके सिटी करप्लाई करेंगे जदि ग्राजुएसन करके बीईडी करप्लाई करेंगे किंबा प्लस टू करके सिटी करप्लाई करेंगे सिटी करके जब बीईडी अप्लाई करेंगे किंतु ता सहित आपने ओटीईटी पेपर वन डेफिनेटली आपको क्लीयर करवाई पड़ो जदि प्राइमरी टीचर परप्लाय कर तो ये गला प्राइमरी टीचर हाईस्कल टीचर कथ कहली प्राइमरी टीचर कथ कहली एबे आसला यूपी स्कूल रो टीचर पई अपर प्राइमरी टीचर तो या पई कोन दरकार ना अपन माने जदि प्लस थ्री पास करिसेंती ता सहित सिटी जदि करिसेंती ताहाले अप्लाई करि परिबे जदि ग्रेजुएशन पास करिसेंती प्लस थ्री करिसेंती ता सहित जदि बीईडी करिसेंती ताहाले मधे अप्लाई करि परिबे एहा सहित मैंडेटरी रहउची अपन माने ओटीईटी रो पेपर टू क्लियर करितबा दरकार जदि अपन माने यूपी स्कूल पई अप्लाई करुसेंती तो ये थिला आपण मानक पई गोटे बहुत ही बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि मु आपण मानको ई वीडियो रे जणैली तो जदि आपण माने कोनोसी एस्पिरेंट एबे बीएससी रो फाइनल ईयर किंबा आर्ट्स रो फाइनल ईयर रे अछंती तो सेमानक पई
आमर ये बैच कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली जब आपने सियोर जॉइन करने चाहते 100% जॉइन करूँ मुझे गाइड करी ए नंबर में मतलब कंटाक्ट करूँ 6370286047 नंबर में कंटाक्ट करके आप डिटेल इनफर्मेशन बुझीपारे आम ओपीएससी बैच कोर्स विषय में किंबा टीचिंग एक्जाम बैच कोर्स विषय में कौन केमी आपर क्लासेस रमी आप डाउट क्लीयरिंग सेसन एटेड करेंगे केमी सिलेबस कवर करेंगे मेटेरियल्स केमी मिले पीडीएफ नोट्स केमी डाउनलोड करेंगे सबकि आपको जनईदेवी तो बस ये छोटिया इनफर्मेशन आपण सहित सेयार करा आशा करुच्छी वीडियो भल लगे जदि वीडियोटी भल लगी लाइक सेयार करूँ जदि चैनल नुआ अच्छा 100% चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखुद जय श्री राम जय जगन्नाथ जय बजरंगबली।